आपको बता दें कि बिलहर कला थाना क्षेत्र के लरौली मिश्र गांव के निवासी रिंकू की शादी सहजनवा थाना क्षेत्र के लुचुई गांव में जून माह में हुई थी। बताया यह जा रहा है कि पति पत्नी में आए दिन विवाद होता रहता था। मृतक रिंकू के मामा ने बताया कि पति पत्नी में फोन पर बात करने को लेकर विवाद हो गया था। इसी विवाद को लेकर मृतक रिंकू के पत्नी की माँ और मायके वाले घर पर आकर मृतक की पत्नी और घर का सामान को लेकर चले गए और पुनः शाम को फोन करके तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए रिंकू को ससुराल बुला लिया। रिंकू का सब मिलने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है तो पूरे गांव में मातम सा छाया हुआ है। मृतक रिंकू की मृत्यु की सूचना रिंकू के ससुराल में होने के बावजूद अब तक उनकी पत्नी और घर के नहीं पहुंचे, जिससे रिंकू के परिजनों का शक और भी गहरा हो गया। वहीं रिंकू के दोस्तों ने कहा है कि रिंकू ससुराल गया हुआ था और फोन करके परिजनों को बताया भी था। ससुराल वाले पूरी रात खलीलाबाद और अन्य स्थानों पर घुमाते रहे, उसके बाद उसे मारकर पेड़ पर लटका दिया। एसपी ब्रिजेश सिंह की माने तो प्रथम दृष्टि आत्महत्या का मामला सामने आया है। हालांकि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ठीक कार्रवाई की बात की जा रही है। फोन लगा रहे थे, फोन बज रहा था, लेकिन जब रिंकू रहेंगे तभी उठाएंगे। उनके जेब में मोबाइल था, लेकिन तो उसके बाद मामा के यहाँ चाची गई, तो उसके बाद वहाँ पहुँची। जब उसके बाद तब बच्चे लोग गए थे बकरी चलाने, उसके बाद वहाँ बच्चे लोग देखे तो उसके बाद वहाँ से घबरा के भाग गए। तो उसके बाद गांव में हल्ला किया तो हम लोग गए वहाँ देखे कि हाँ ये रिंकू है, तो वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ा। क्या लगता है सौ मिला है किस? ये ससुराल गए थे, ससुराल में फ़ोन किए थे कि ये लड़की का तबीयत ख़राब है, आप आ जाइए, दवा कराना है, ऐसा वैसा दुनिया भर का बताए थे। 50,000 रुपया लेके गया था घर से, और जो दहेज का गाड़ी पाया था वो दहेज की गाड़ी लेके गया था। और उसके बाद 12-1 बजे रात तक उसको खैलाबाद यहाँ सब घुमा रहे थे, और उसको शक लगा कि हमारे ऊपर कुछ खतरा है। तो उसके बाद एक हरिजन का लड़का था उसके पास फ़ोन किया हो रिंकू, तो बोला कि मैं खैलाबाद हूँ, हमारे ससुराल वाले सब गाड़ी से घुमा रहे हैं, मारुति से, लगता है कुछ गड़बड़ है। तो उसके बाद वो बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम जहाँ होगा वहाँ मिल जाना, मैं आ रहा हूँ खैलाबाद। ये भैया बहने हमारे मतलब वो फोन से बात कर रही थी, बहने हमारे आई, कहें किससे बात कर रहे हो? तो कहे कि क्या करिएगा आप, इसीलिए एक झापड़ मार दिए। मारने के बाद में वो कहीं अपने खेत में काम करने चल गए, वो अपने फोन की माँ के पास। फोन करने के बाद में उसकी माँ आई 2 घंटे के बाद बोलेरो लेकर आके अपनी लड़की, हमारा बहने खेत में था, बहन हमारी स्कूल में थी। उसके बाद में अपना सारा सामान पेटी उठी लेकर अपने मायके लेकर चली आई। रात में 9-10 बजे फोन की कि तुम्हारी औरत की तबीयत खराब है, आके मतलब दबा हुआ कराओ। 50,000 दिया लिया बहने और गाड़ी से गया, गाड़ी उसके पास उसके घर है, और बहने के हमारे कार से घुमा रहे थे, एक खैलाबाद में कार से घुमा रहे थे। एक हरिजन का लड़का वो फ़ोन किया, वो बेचारा आके खैलाबाद में ढूंढ रहा था, यहाँ कहे हमारा बहने वहाँ नहीं मिले, फिर दूसरे जगह ऐसे ऐसे रात में उकरे, उसके बाद में ले जाके काम मिले, क्या किया अब ये तो नहीं कर पाए। तो लाश पेड़ से कैसे मिली है, कैसे किस तो लड़के यहाँ छगड़ी लेके मतलब वहाँ छगड़ी चला रहे थे, तो देखे तो लोग कहें कि रिंकू वहीं पर टांगे हुए हैं। तो हम लोग, हमारा घर है मेहदावर नौदरी गाँव पड़ता है, हाँ हमने हमारी बहन फ़ोन की, बाबू रिंकू का फ़ोन नहीं लग रहा है। तो हमने कहा कि क्यों उसके घर लगाओ, तो उसके घर लगाई तो दीदी कह रहा है कि राउंड नंबर बता रहे हैं, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम राउंड नंबर लगा रही हो। बहन को हमारे बोलने लगे, बहन हमारे हमने लग फ़ोन कर ली, तो हम अली कहें कि आवा तू और हम चलता ठीक से जनवा, वो अल घर पर जानकारी भेल, तब तक हमारे लड़का आई गई ना, तो उन्हीं के भतीजा हमारे बहन के जेठे के लड़का, वो कहने कि रिंकू के हमारे वो कुल लड़के भी देखना है, रिंकू यहीं टांगल वाटर से चली आया। तो क्या लगता है हत्या हुई है या आत्महत्या है? नहीं नहीं, ये हत्या किया गया है, नहीं वो ससुराल वाले हत्या किए। जी जानकारी में है डायल 100 के माध्यम से सूचना मिली थी, थाना पुलिस भी गई थी, एक लटकी हुई डेड बॉडी मिली हुई है, प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला लग रहा है। 24 साल का वो लड़का है, युवक है, शादीशुदा था, प्रथम
जो जानकारी की गई है पति पत्नी में थोड़ा सा विवाद था, बाकी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, जैसा निकल के आएगा तदनुसार।